मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार के सालाना बजट को भिलाई चरोदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का निर्णय बेमिसाल है। बजट में प्रदेश के सभी वर्ग का ध्यान रखते हुए चौमुखी विकास के प्रावधान से जन धन को लाभ मिलेगा। नगर निगम भिलाई चरोदा महापौर निर्मल कोसरे ने राज्य बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बताया है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की अपनी भावना को तेज गति के साथ साकार कर रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट से मिलने की बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सरकार के बजट में किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, व्यापारियों से लेकर सभी वर्ग के विकास की सोच प्रदर्शित की है। शासकीय कर्मचारियों को उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का बजट में घोषित निर्णय ऐतिहासिक लिया है। गौठान को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में विकसित करने का प्रावधान से सुराजी गांव का सपना साकार होगा। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन न्याय योजना के तहत दिए जाने वाले आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी से भूमिहीन किसानों की स्थिति पहले से बेहतर होगी। शहरी निर्धन परिवार को मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए राशि का भी प्रावधान किया जाना सराहनीय पहल है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट आज पेश किया है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक बजट है। मैं उसके बजट का सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ। वर्षों पुरानी जो मांग रही है कर्मचारी साथियों की, पेंशन जो योजना बंद थी उस पेंशन को बहाली जो किया गया है, निश्चित रूप से इससे जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके चेहरे में खुशी की लहर चल पड़ी है। इनके साथ साथ चाहे नगरीय निकाय क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण अंचल हो, खासकर किसानों का विशेष ध्यान इसमें रखा गया है। जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा जो पढ़े लिखे हैं और जो व्यापम की परीक्षा दिलाते हैं, उनको परीक्षा शुल्क में भी रियायत देने की जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो बजट में शामिल किया है। इसके अलावा नगरी निकाय क्षेत्रों में जो धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर, नए 36 नए जेनरिक मेडिकल स्टोर 136 शुरुआत करने जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार और उच्च वर्गीय परिवार के बच्चे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की ओर उनका झुकाव रहा है। पूरे प्रदेश में 32 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में रखा है वो ऐतिहासिक बजट है। आप देखेंगे कि इसमें किसान, व्यापारी, निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, सभी वर्ग के हितों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है। पहले जब बजट प्रस्तुत हुआ करता था तो बजट में उतने कुछ नहीं रखते थे, लेकिन आज जो बजट पेश हुआ है आप देख रहे होंगे कि सारे लोगों में खुशी का माहौल है। बहरहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की अपनी भावना और सोच को तेज गति से साकार कर रही है। निश्चित ही ये बजट प्रदेश में विकास की गति को और तेज करेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।